Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neelmani Sen. लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में एक साइडवेज टू डाउनसाइड का हमें मूव देखने को मिला है। साथ ही यदि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो दोनों के ही प्राइजेस डेज लो के एंड पर क्लोज होते हुए नजर आए। इसके पीछे का मेन रीजन क्या रहा? रीजन थे फेड पॉलिसी का आउटकम, जहां पर रेट कट की जो उम्मीदें जल्दीबाजी में नहीं करने के क्लियर संकेत दिए गए हैं और यहां पर फेड चेयरमैन के द्वारा जो स्पीच दी गई वहां पर क्लियरली कहा गया है कि अभी हम और वेट करेंगे और जब तक कि सभी आंकड़े बेहतर तरीके से नहीं आते हैं कि तब तक हमें रेट कट करने की जल्दीबाजी नहीं है। इसके साथ ही यूएस की तरफ से पिछले हफ्ते रिलीज हुए पेरोल डेटा के नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रहे और वो नंबर से उम्मीद से काफी बेहतर आते हुए नजर आए, जिसके चलते भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में हमें हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। अगले हफ्ते के लिए यदि बात करें तो फेड चेयरमैन की एक स्पीच है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी, साथ ही आईएसएम सर्विस पीएमआई के नंबर है जो कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही हम साइडवेज टू रेंज बाउंड का सेशन देख सकते हैं। अगले हफ्ते के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 61,900 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 63,250 पर अभी भी इंटैक्ट है। सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 70,300 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 72,700 पर बना हुआ है। इजराइल हमास वॉर के एंड होने के संकेत, साथ ही चाइना में डिमांड ग्रोथ का डर और अमेरिका में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का बढ़कर के आना, ये तीन ऐसे मेन रीजन रहे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस हमें पिछले हफ्ते एक बड़ा कट दिखाते हुए नजर आए और वीकली एंड की क्लोजिंग हमें डेज लो पर क्लोज होते हुए नजर आई है। तो ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है, तो यहाँ पर टेक्निकली अगर देखें तो सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में ही क्रूड ऑयल में काम करना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो अगले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्रूड ऑयल में है 5850 के आसपास, वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 6350 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है और ये प्रेशर क्यों बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जो वेदर है नॉर्मल से वार्मर रहने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रेशर अभी भी नेचुरल गैस पर बना हुआ है। नेचुरल गैस में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 155 का, 155 जो पिछली बार भी हमें यहीं से एक बहुत बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 200 पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यदि निकलते हैं प्राइजेस तभी हमें कुछ एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। चाइना में डिमांड कंसर्न के चलते सभी बेस मेटल्स में हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और ये सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट वीक भी जारी रह सकता है, तो टेक्निकली यहाँ पर भी सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। कहने का मतलब है इस हफ्ते आने वाला हफ्ता जो है सभी बेस मेटल्स के लिए एक रेंज बाउंड या फिर सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं सभी बेस मेटल्स में। सभी बेस मेटल्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 710 के आसपास है, रेजिस्टेंस यदि देखें तो 735 पर अभी भी इंटैक्ट है। जिंक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 214 पर है और रेजिस्टेंस यदि देखें तो 228 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं एल्युमिनियम में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 198 पर है और रेजिस्टेंस 205 पर अभी भी बना हुआ है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच इज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.